हाँ भाई किंग, कैसे हो आप? ठीक हो? तो आपको आपका नया केज कैसा लगा? आप एक दिन आप अपने नए केज में भी अब आप रह चुके हो कि जो आपका जो नया केज बना है। तो ना दोस्तों, अभी हम ना सबसे पहले किंग को बाहर निकालते हैं। किंग इसी इंतज़ार में था, मुझे लग रहा है कि बाहर आना चाह रहा है, क्योंकि ना केज के गेट जो है ना इसके पास आ गया है बिल्कुल ही। तो दोस्तों इसको अब हम बाहर निकाल लेते हैं पहले। चलो आ जाओ भाई किंग, बाहर आ जाओ। आप बाहर आना चाह रहे हो ना, आ जाओ जल्दी से बाहर आ जाओ। तो ना ये देखें दोस्तों, ये बाहर भी आ रहा है। तो चलो भाई किंग इस तरफ आ जाओ आप। तो ये भी बाहर आ गया। और ना दोस्तों ये देखें, ये आते के साथ ना रानी राजा वनवन टूटू को भी देख रहा था कि जो है इनका केज तो अभी पुराना है और मेरा केज नया है। लेकिन ना दोस्तों, जब रानी राजा वनवन टूटू का जो केज था उसको भी हमने नया कर दिया था, लेकिन अभी ये थोड़ा बहुत पुराना लगने लगा है। वैसे बिल्कुल ठीक है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? दोस्तों मुझे तो ये लग रहा है कि जो राजा रानी वन वन टू टू ये भी इसी इंतज़ार में है कि अब हम इन्हें भी बाहर निकालें। लेकिन अभी अभी हमने किंग को केज से खोला है, तो अभी हमने इनको केज से नहीं खोलेंगे और इनकी ये अभी केज में ही रहेंगे अपने बंद थोड़ी देर, कि जब तक जो हमारा किंग है ना वो अपने केज से बाहर है ना वो आराम से घूमता रहे, ताकि जो है ना फिर जब हम अपने किंग को उसके केज में बंद करेंगे ना, फिर हम ना राजा रानी और वन वन टू टू को भी फिर हम इनके केज से बाहर निकालेंगे। लेकिन अभी जो है ना सिर्फ किंग ही बाहर घूम रहा है आराम से बिल्कुल, तो इसको हम ऐसे ही घूमने देते हैं। और ना दोस्तों ये देखें, जो हमारे ऑस्ट्रेलियन पैरेट है ना, ये सब क्या कर रहे हैं? कुछ तो ऐसे बैठे हुए हैं स्टिक पर, कुछ इधर हैं। और एक तो ना दोस्तों ये देखें, ये वाला जो ऑस्ट्रेलियन पैरेट है ना अपनी इस नेस्टिंग वाली मटकी के इधर भी आके बैठा हुआ है। और बाकी ना दोस्तों जो बेबी पैरेट है ना, दो बेबी पैरेट वो नीचे भी घूम रहे हैं, तो इनको ये भी ऐसे घूमते रहेंगे। और आज तो ना दोस्तों जो जेब्रा फिंच है ना, इनमें से ना जो एक जेब्रा फिंच है वो जो ब्लैक वाली, वो हो सकता है दोस्तों अपनी इस नेस्टिंग वाली मटकी में चली गई हो। वरना मैं काफ़ी दिन से ना जाते हुए हमने इनको नहीं देखा था और ये बाहर ही घूम रही होती थी दोनों ही। लेकिन अभी जो है ना दोस्तों, एक जो जेब्रा फिंच है ना ब्लैक वाली, वो अंदर बैठी हुई है और दूसरी इधर है। और जैसे ही ना दोस्तों जो दोनों ही डायमंड डब है ना, ये बिल्कुल पहले की तरह ही ना अभी भी अपने इस नेस्ट में जाके बैठी हुई है दोनों एक साथ ही इस जगह पे। और ना जिस तरह जो जेब्रा फिंच होती है ना, कि जो एक बाहर आए तो दूसरी जेब्रा फिंच नेस्टिंग वाली मटकी में होती है, लेकिन ये जो डायमंड डब है ना, इनको हमने बहुत कम ही अकेले आते हुए देखा है। ऐसे अकेली एक आई हुई होती है और कभी इधर बैठी होती है, लेकिन ज़्यादा टाइम जो है ना दोनों ही डायमंड डब जो है ना, ये इधर ऐसे नेस्ट में जाके बैठी होती हैं जैसे अभी बैठी हैं। और यूँ ना दोस्तों, ये जो बेबी पिजन है ना, ये जिस तरह है थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जा रहा है ना, इसी तरह ना दोस्तों इसकी अब थोड़ी थोड़ी आवाज़ आने लगी है। वरना ना दोस्तों जब ये छोटा था ना इसकी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती थी, लेकिन अब ना दोस्तों माशाल्लाह से बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी इसकी आवाज़ आने लगी है। और जिस तरह ना दोस्तों इंशाल्लाह जब ये बड़ा हो जाएगा ना, तो इसकी भी आवाज़ ना बिल्कुल हमारे इन बड़े वाले पिजन्स की तरह होगी, कि जिस तरह सब हमारे बड़े वाले पिजन्स जो बोल रहे होते हैं ना, उसी तरह ना फिर ये जो ये बेबी पिजन है ना, ये भी बिल्कुल उसी तरह बोलने लगेगा कि जिस तरह हमारे बाकी सब पिजन्स भी बोलते हैं, जिनमें से ये वाला पिजन सबसे ज़्यादा बोलता है, लेकिन अभी खामोश होकर बैठा है इधर। दोस्तों जो किंग है ना, किंग ने अभी तक हमें बताया नहीं कि इसको इसका नया केज कैसा लगा। हाँ भाई किंग, आपको आपका नया केज कैसा लगा? आपने तो कुछ बताया ही नहीं हमें, और आप बस यूं ही घूमते रहते हो, आपने बताया ही नहीं कि आपको आपका नया केज कैसा लगा। हेलो, हाँ भाई किंग कुछ तो बोलो, आप तो कुछ भी नहीं बोल रहे हो ना। आपने बताया आपके लिए हमने इतनी मेहनत से इतना अच्छा आपका केज को रेनोवेशन की है आपके केज पे, पूरे पे आपके केज बिल्कुल नया जैसा बना दिया, लेकिन आपने हमें फिर भी कुछ नहीं बोला कि आपने इतना अच्छा बनाया। चलो भाई ठीक है, आप ऐसे ही घूमते फिरते रहो, आपके लिए बनाया है अच्छा केज वो हमने। लेकिन ना दोस्तों जो किंग है ना, किंग को जब हमने नए केज में जो शिफ्ट किया है ना, उसके बाद से ना दोस्तों ये अपने केज से बाहर आने की इतनी कोशिश नहीं करता, और ये ज़्यादा टाइम ना अपने केज में ही आराम से बैठा होता है, क्योंकि ये केज के अंदर ना बिल्कुल इसकी दोस्तों अच्छी मट्टी भी आ चुकी है, जिस वजह से ना ये आराम से बिल्कुल बैठा रहता है ना, तो इसको कोई ऐसा मसला भी नहीं होता। और ना दोस्तों ये जो हमारी जो जेब्रा फिंच और डायमंड डब है ना, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इनके लिए ना दोस्तों, जेब्रा फिंच और डायमंड डब के लिए जो इनकी ना दोस्तों फेवरेट डाइट हो ना, वो हम इनके लिए लेके आते हैं। डायमंड डब के लिए और जेब्रा फिंच के लिए इनकी फेवरेट डाइट लेके आते हैं, और फिर ना दोस्तों हम इनके केज में रखेंगे लाके, और फिर हम दोस्तों हम इनको देखते हैं कि इनको पसंद आती है या नहीं। वैसे तो ना दोस्तों हम जो डाइट लाएंगे वो डायमंड डब और जेब्रा फिंच की फेवरेट डाइट ही होगी, तो हम अभी ना हम चलते हैं और इनके लिए पहले इनकी डाइट लेकर आते हैं। तो ना दोस्तों अब हम आ गए हैं डाइट लेने के लिए, डायमंड डब और जेब्रा फिंच के लिए जो हमने डाइट लेनी है, उनकी फेवरेट डाइट तो इधर से मिल जाएगी हम डाइट। और इसके अलावा ना दोस्तों इस जगह पे ना काफ़ी सारे बर्ड्स भी हैं, जिसमें पिजन है,
और इधर भी बहुत सारे पिजन हैं। और ये इधर से ना हमने डाइट लेनी है, जो हमारी जेब्रा फिंच और डायमंड डक की जो फेवरेट डाइट होगी ना वो हमें इधर से मिल जाएगी, तो हम वो भी ले लेते हैं। और जब तक तो ना दोस्तों इधर इतने सारे बर्ड्स हैं, तो उसमें से ना हम कोई बर्ड भी देख लेते हैं। कि इतने सारे बर्ड्स हैं ना दोस्तों कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, इतनी तेज़ आवाज़ भी आ रही है उनकी बोलने की। तो अभी चलते हैं पहले अंदर और उन्हें भी देखते हैं, बाहर भी हैं और बाकी इधर अंदर भी हैं काफ़ी सारे, तो इधर चल के भी देखते हैं अंदर। ये ना दोस्तों आते के साथ ये देखें, जिस तरह हमारे पास है ना जो जेब्रा फिंच, वही वाली जो जेब्रा फिंच है ना बिल्कुल इधर टॉप पर भी है। और इधर इतनी सारी है ना, हमारे पास तो सिर्फ दो हैं लेकिन इसके इतनी सारी है ना और इतना ज़्यादा बोल रही है। देखें दोस्तों कितनी अच्छी लग रही है इस तरह इधर केज में रखी हुई। और बाकी ना दोस्तों ये इधर कॉकटेल पैरट है ना ये वाला, ये बिल्कुल हमारे वाले की तरह है कि जिस तरह वो हमारा वाला कॉकटेल पैरट है ना। हेलो कैसे हो आप, ठीक हो? तो ना दोस्तों ये देखें ये भी बिल्कुल उसी तरह है और उसी तरह बोल रहा है, और ना दोस्तों बोलते हुए बिल्कुल उसी तरह लग रहा है कि जिस तरह हमारा वाले जो कॉकटेल पैरट बोल रहा हो तो उस टाइम ऐसा लगता है ना, इसी टाइम ना जब ये बोल रहे हैं ना ये भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। और कलर भी सेम है इसका। और ये दोस्तों ये तो बिल्कुल वाइट कलर की है ना, ये भी बहुत अलग कलर है कॉकटेल पैरट का, वरना ना दोस्तों हमारे पास तो सिर्फ ऐसा है। तो ये तो ना दोस्तों फर्स्ट टाइम ही मैंने देखे, इतने प्यारे हैं कॉकटेल पैरट ये देखें दोस्तों। और बाकी ना दोस्तों ये देखें नीचे जो है ना, इधर भी जो जेब्रा फिंच हैं, इधर भी ऑस्ट्रेलियन पैरट हैं। और बाकी ना दोस्तों ये देखें ये भी डायमंड डक भी हैं, जो हम लोग अभी डाइट लेने आए डायमंड डक और जेब्रा फिंच की। तो दोस्तों इधर हमें डायमंड डक भी दिख गई और जेब्रा फिंच भी दिख गई, दोनों ही चीज़ें कि जिनके लिए अभी हम डाइट लेने आए, हमें ये दोनों चीज़ें भी दिख गई इधर। लेकिन इधर तो ना दोस्तों काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, जो जेब्रा फिंच है वो भी काफ़ी सारी हैं, लेकिन डायमंड डक भी हैं जो कि कम है, वरना जेब्रा फिंच तो ना दोस्तों इस जगह पर भी ना काफ़ी सारी हैं। और हमारे पास सिर्फ अभी दो ही हैं, दो जेब्रा फिंच हैं और दो ही जो है ना हमारे पास डायमंड डक हैं। और बाकी सब ना दोस्तों देखें कितनी अच्छी लग रही है ना इस तरह जब ये बोल रहे होते हैं सब के सब बर्ड्स, कि जिस तरह अभी बोल रहे हैं ना दोस्तों, अभी इतने अच्छे लग रहे हैं सब बोलते हुए, वरना ना दोस्तों चुप होके बैठे होते हैं गर्मी की वजह से, लेकिन अभी ना दोस्तों इतना अच्छा बोल रहे हैं सबके सब कि बहुत अच्छे लग रहे हैं अभी इधर यूँ बैठे हुए सारे के सारे। और ना दोस्तों बिल्कुल अभी एक चीज़ मुझे ऐसी ऐसी दिखी है कि जैसी ना सेम हमारे पास है बिल्कुल हमारे सेटअप पे केज में रखी हुई है। और आप लोग भी देखेंगे ना दोस्तों, आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल वही वाली चीज़ है कि जिस तरह हमारे सेटअप पे हमारे केज में रखी हुई है ना, वो है दोस्तों ये देखें ये ऑस्ट्रेलियन पैरट बिल्कुल येलो कलर का दोस्तों, के जिस तरह हमारे केज में रखे हुए हैं ना येलो और वाइट कलर के, तो ये बिल्कुल सेम वैसे ही कलर हैं। और ना दोस्तों इधर इतने प्यारे लग रहे हैं इतने सारे जो ऑस्ट्रेलियन पैरट है ना एक साथ, और हमारा केज भी जो है काफ़ी बड़ा है, तो जिस वजह से ना हमें ऐसे कम दिखते हैं, लेकिन एक केज छोटा है ना जिस वजह से ना ऑस्ट्रेलियन पैरट जो है ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन ना दोस्तों इतने प्यारे लग रहे हैं ना सबके सब यूँ बैठे हुए, तो ये देखें दोस्तों ये बोल भी रहे हैं लेकिन अभी कुछ जो है खामोश होकर बैठे हैं। और ये तो ना दोस्तों बिल्कुल हमारे वाली ऑस्ट्रेलियन पैरट की तरह है, कि जिस तरह वो हमारी येलो वाले ऑस्ट्रेलियन पैरट है ना ये सेम उसी तरह है। और दोस्तों आप अपने जल्दी से ले लिए जेब्रा फिंच और डायमंड डक की जो फेवरेट डाइट है वो लेते हैं और फिर अपने सेटअप तक पहुँचते हैं। और अभी तो ना दोस्तों हमने इन सबको भी देख लिया कि कैसे बैठे हुए, काफ़ी खुश हैं दोस्तों, इतना अच्छा बोल रहे हैं सब के, बहुत अच्छे लग रहे हैं सब बोलते हुए। तो ना दोस्तों फाइनली जो फेवरेट डाइट थी ना डायमंड डक और जेब्रा फिंच की वो ले ली है, और अपने चलते हैं जल्दी से सेटअप पे पहुंचते हैं और उनको इनकी फेवरेट डाइट देते हैं। अब हम ना डायमंड डक और जेब्रा फिंच को जो है ना इनकी फेवरेट डाइट जो है ना वो हम देते हैं। तो फाइनली दोस्तों डायमंड डक और जेब्रा फिंच की फेवरेट डाइट आ गई और अब दोस्तों हम इन्हें इनकी डाइट देते हैं। तो ये डायमंड डक का जो इनके डाइट वाला बर्तन है इसे बाहर निकाल लेते हैं, और तो ना दोस्तों ये भी आ गया बाहर। और ये जो अपना दोस्तों जेब्रा फिंच का जो है ना डाइट वाला इनका बर्तन, इसे भी अब हम बाहर निकाल लेते हैं जो यहाँ रखा हुआ है, ताकि ना दोस्तों हम दोनों ही डायमंड डक को भी और जेब्रा फिंच को एक साथ ही हम डाइट दें, और फिर हम देखते हैं कि ज़्यादा पसंद किससे आती है, डायमंड डक को या जेब्रा फिंच को। हो सकता है दोस्तों डायमंड डक को भी ज़्यादा पसंद आए डाइट और जेब्रा फिंच को भी ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि दोनों की ही ये फेवरेट डाइट है। तो ना जल्दी से अब हमने इनके पहले इन बर्तनों में हम डालते हैं इनकी जो फेवरेट डाइट है वो है दोस्तों ये दोस्तों। और अब हम ना दोस्तों ये हम पहले इनको डालते हैं, फिर हम देखते हैं कि इनको ये पसंद आती है या नहीं। पसंद तो आएगी दोस्तों क्योंकि इनकी फेवरेट डाइट है। तो ना दोस्तों डायमंड डक का भी और जेब्रा फिंच के भी बर्तन में हमने इनकी जो फेवरेट डाइट है ना वो हमने रख दी है। और अब ना दोस्तों हम पहले ये जो है हम डायमंड डक के पास रख देते हैं, ताकि डायमंड बल्कि दोस्तों जेब्रा फिंच के पास, ताकि जो है जेब्रा फिंच भी आके अपनी डाइट खा ले और इसको आगे कर देते हैं। और अब दोस्तों ये आ जाएगी जेब्रा फिंच भी, और अब दोस्तों ये देखें दोस्तों अभी हमने डाइट रखी नहीं है, लेकिन डायमंड डक जो है ना काफ़ी देर से इधर बैठी हुई थी दोनों ही, लेकिन डाइट रखने से पहले ही ना इन लोगों ने अपनी डाइट देखी ना, तो ये फ़ौरन ही आ गई इधर नेस्ट से उठ के इधर। और अब ना दोस्तों हम इनके केज में भी रख देते हैं ताकि ये भी खा लें, इनको भी दोस्तों भूख लगी होगी ना, तो इसलिए अब हम इनके पास भी रख देते हैं। और ये दोस्तों ये गए इनके केज में,
और अब दोस्तों ये देखें दोस्तों, फाइनली रखते के साथ जिस ही हमने जो है इनकी केज में इनकी जो फेवरेट डाइट है वो हमने रखी है, तो फ़ौरन ही आ गई अपनी डाइट खाने के लिए। और ज़ेब्रा फिंच जो है ना, ब्लैक वाली जो ज़ेब्रा फिंच है, वो इतनी देर से अपनी इस नेस्टिंग वाली मटकी में बैठी हुई थी, लेकिन उसने भी जब देखी है ना डाइट, वो भी फ़ौरन ही बाहर आ गई। और ये देखें दोस्तों, फाइनली ये भी अपनी डाइट खा रही है, और ये जो ज़ेब्रा फिंच है ना, ये भी अपनी डाइट खाने के लिए आ गई हैं, क्योंकि ना दोस्तों इन दोनों को ही ना इनकी डाइट काफ़ी पसंद है, तो जिस वजह से ना ये भी अपनी डाइट खा रही हैं और ये भी अपनी डाइट खा रही हैं। दोस्तों ये वाला जो पिजन है इतना खुश हो रहा है ना दोस्तों, और इतना अच्छा लग रहा है, देखें अपने ऐसे पर उड़ाता हुआ माशाल्लाह से। दोस्तों अभी अभी हमने इसको काफ़ी दिन बाद ऐसे देखा है कि जिस तरह ना दोस्तों ये बिल्कुल अभी कर रहा था ना, ये काफ़ी खुश हो रहा था, वरना ना दोस्तों हमने इसको जब भी देखना है यहाँ बैठा होता है, लेकिन अभी ना दोस्तों हमने जब देखा ना इसको इतना प्यारा लग रहा था, जब अपने परों को यूं ऐसे हिला रहा था तो ना दोस्तों इतना प्यारा लग रहा था और ये काफ़ी खुश हो रहा था, तो जिस वजह से ना दोस्तों अपने पर हिला रहा था यूं करके बहुत तेज से। और बाकी सब ना दोस्तों ये देखें, ये सब पिजन भी ना अपने परों को साफ कर रहे हैं, तो ये देखें दोस्तों वो भी ऐसे परों को साफ कर रहे हैं, और ये भी, और बाकी ना दोस्तों ये देखें अभी ये ना इन वाले पिजन्स को देखकर ना ये वाले भी पिजन ना यूं ही करने लग गए कि जिस तरह ये वाले पिजन अपने परों को साफ कर रहे हैं ना, बिल्कुल इसी तरह ना अभी ये भी कर रहे थे। हाँ भाई, तो आपने आपकी डाइट नहीं खानी है कि आपकी भी तो फेवरेट डाइट है, आप भी आओ जल्दी से डाइट खा लो, फिर आप भले बैठिए ना, आप तो वैसे ही बैठे रहते हो पूरे पूरे दिन अपने इस नेस्ट में, जल्दी से आओ आप भी अपनी डाइट खा लो। वो देखो आपका जो पार्टनर है वो भी तो डाइट खा रहा है अपनी, आप भी आओ जल्दी से और आप भी डाइट खा लो। तो ना दोस्तों ये देखें, ज़ेब्रा फिंच तो है ना दोनों ही एक साथ अपनी डाइट खा रही हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं, लेकिन ये बिल्कुल अकेला ही ना जो एक डायमंड डब है, ये अपनी डाइट बिल्कुल अकेले ही खा रही है, और ये दूसरी तो ना आई नहीं रही अपने नेस्ट में से, उठ ही नहीं रही है, और बस ये बिल्कुल बैठी हुई कि जैसे इसका उठने का बिल्कुल ही दिल नहीं कर रहा कि आके डाइट खा ले। और हाँ भाई, आप आके जल्दी से अपनी डाइट खा लो। तो ना दोस्तों इसको छोड़ देते हैं, इसकी मर्जी है, इसको आना होगा तो ये अपनी आके डाइट खा लेगी, वैसे हमने इनके पास रख दिए, और जब इसका मूड होगा ना दोस्तों, जब इसका दिल करेगा, फिर ये खुद आकर ना अपनी डाइट यहाँ से खा लेगी। तो फाइनली दोस्तों डायमंड डब और ज़ेब्रा फिंच की फेवरेट डाइट आ गई। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों लाइक भी लाजमी से कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पेट एनिमल्स एंड बर्ड्स को सब्सक्राइब भी लाजमी से कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।